जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं IRFC यानी कि इंडियन रेल एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी के बारे में। काफ़ी दिनों से स्टॉक काफ़ी चर्चा में है। जब यह बुलिश ट्रेंड में था तो काफ़ी सारे लोग इस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कुछ लोग ज्ञान भी दे रहे थे, लेकिन अब यह स्टॉक में जब गिरावट आ गई है तो सबकी बोलती बंद हो गई है। लेकिन सबसे चिंता की बात थी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने भी हाल फिलहाल में IRFC में इन्वेस्टमेंट किया है, जिन लोगों ने ऊपरी लेवल पर यानी कि तकरीबन 30-35 रुपये के आसपास बाय किया है, वो अभी काफ़ी घबराए हुए हैं। हालांकि घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी समस्या को इस वीडियो में दूर करने की पूरी प्रयास करूँगा। इसके अलावा बात होगी टाटा पावर कंपनी के बारे में, साथ में टाटा स्टील में जो गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे के बारे में भी इस वीडियो में तफसील से बात होगी। शुरुआत करते हैं हम लोग IRFC के बारे में। देखिए, IRFC आप जानते हैं कि यह इंडियन रेलवे को फाइनेंस करती है, यानी कि भारतीय रेलवे को जिन चीज़ों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है उस पैसों को यह कंपनी मुहैया कराती है, और भारतीय रेलवे जब उस प्रोजेक्ट को पूरा करती है और उससे जो कमाती है तो उससे इस कंपनी का भुगतान करती है। तो ये इस कंपनी के कमाई का मॉडल है। देखिए, IRFC में पिछले ट्रेडिंग सेशन के दौरान यानी कि फ्राइडे के दिन देखेंगे तो तकरीबन 10% के आसपास गिरावट देखने को मिली है, और अभी इसका शेयर प्राइस कम होकर 28 रुपये के आसपास आ गया है। तो बेसिकली ये इन्वेस्टर्स के लिए चिंता की तो बात है ही, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़्यादा चिंता की बात है जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में इस कंपनी के शेयर बाय किए थे, क्योंकि उनको अभी उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रेड निशान में दिखाई दे रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, जब कोई नया व्यक्ति या कोई नया किसी कंपनी के शेयर बाय करता है और तुरंत उसके पोर्टफोलियो रेड निशान में आ जाए तो ये अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए, इसके गिरावट के पीछे कई सारी वजह हैं। जैसे अभी आपको पता है मार्केट 10 दिनों नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा है, और अभी कोरोना का न्यूज़ आया है जिसकी वजह से मार्केट और भी ज़्यादा तेज़ी से धड़ाम हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट इस कंपनी के शेयर पर, हालांकि और भी तमाम कंपनियों के शेयर पर पड़ा है लेकिन इसके ऊपर भी पड़ा है, क्योंकि एक सरकारी कंपनी है। और जो सबसे मेन कारण ये निकल कर सामने आ रहा है, जिसकी जो मेरा रिसर्च है वो ये कहता है कि जैसे आपको ये खबर पता लग गई है, गवर्नमेंट का जो इस कंपनी में स्टेक है तकरीबन 10% के आसपास, गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अपने जो भी इसका गवर्नमेंट का स्टेक है उसमें से तकरीबन 11% स्टेक 2023 के लास्ट तक सेल कर देगी। यानी कि गवर्नमेंट के पास जो इस कंपनी की हिस्सेदारी है उसमें से कुछ हिस्सेदारी ये बेचने जा रही है। तो देखिए, ये उतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का 10% कोई कम मायने रखता है 10% इन्वेस्टमेंट। तो 10% इन्वेस्टमेंट में से यदि गवर्नमेंट 10-11% इन्वेस्टमेंट अपना सेल भी कर देती है तो ये ज़्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेचेगी तो जाहिर सी बात है पब्लिक हिस्सेदारी से स्टॉक में बढ़ेगी। पब्लिक हिस्सेदारी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वोलेटिलिटी आएगी, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो शेयर प्राइस में तेजी आएगी। किसी भी तरीके से चिंता की बात नहीं है। और यदि आपने IRFC में लंबी अवधि के लिए निवेश किया तब तो आपके लिए बिल्कुल चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए थे, सिर्फ शेयर के प्राइस को बढ़ते हुए देखकर इसमें पैसे लगाए थे, तो जाहिर सी बात है आपके लिए चिंता की बात होगी। जब भी आप इस शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका नजरिया लंबी अवधि के लिए होना चाहिए, और यदि अभी आप इसमें फंसे हुए तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप बने रहिए, आपको घबरा कर बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि IRFC एक सरकारी कंपनी है, देर सवेर से ही इसमें मूवमेंट आएगा, इसके प्राइस में फिर तेजी आएगी, इसलिए आप धैर्य बनाकर इसमें बने रहिए। अब बात करते हैं टाटा पावर कंपनी के बारे में। टाटा पावर में भी शुक्रवार दिन तकरीबन 5.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली, और 5.5% गिरावट के बाद इस स्टॉक का प्राइस 197 रुपये पर जाकर क्लोज हुआ है। अब इसके पीछे गिरावट की वजह यह है क्योंकि मार्केट गिर रहा है, और मार्केट गिर रहा है तो जो टोटल निफ्टी एनर्जी का स्टॉक है, टोटल निफ्टी एनर्जी ही निगेटिव है, निफ्टी एनर्जी में भी तकरीबन 4% के आसपास शुक्रवार दिन गिरावट देखने को मिली। देखिए, इसके पीछे जो मेन वजह है ना गिरावट की, सबसे मेन वजह रिटेल निवेशक बन रहे हैं, क्योंकि रिटेल निवेशक पैनिक सेलिंग करने लगते हैं जब भी मार्केट गिरने लगता है। उनको लगता है कि नहीं बेचेंगे तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा, वो ये नहीं समझते हैं कि अगर बचा के रखेंगे तो मार्केट कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा, और ये इतिहास रहेगा कि मार्केट लंबी अवधि में ऊपर ही जाता है। टाटा पावर के लिए या टाटा पावर के निवेशकों के लिए खुशखबरी है, जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है मिट्सुबिशी फाइनेंस कंपनी, नाम में जापानी नाम है, थोड़ा उच्चारण में गलती हो सकता है। काम की बात यह है कि इस कंपनी ने तकरीबन जो टाटा पावर कंपनी, इसमें $4.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। हम जानते हैं कि टाटा पावर इन दिनों ग्रीन एनर्जी को लेकर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ग्रीन एनर्जी में विंड टर्बाइन और सोलर पैनल पर कंपनी काम करती है। तो जो जापान की एक कंपनी है, ये महाराष्ट्र और गुजरात में 2 सोलर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, और सोलर पैनल बनवाने के लिए, सोलर प्रोजेक्ट में हेल्प लेने के लिए टाटा पावर में एक कंपनी ने $4.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। काफ़ी ह्यूज अमाउंट है $4.5 बिलियन, तो इससे इस कंपनी के शेयर प्राइस में लंबी अवधि में तेजी आने के संकेत है। तो इसमें भी आपको सलाह रहेगा, आप बने रहिए। टाटा स्टील की बात करते हैं, टाटा स्टील में भी काफ़ी दिनों से गिरावट ही देखने को मिले। टाटा स्टील में देखेंगे शुक्रवार दिन तकरीबन यह स्टॉक 5% गिरा, और इसकी क्लोजिंग हुई है 102 रुपये के आसपास। हालांकि निफ्टी मेटल में भी गिरावट देखने को मिली। देखिए, टाटा स्टील से संबंधित एक अपडेट यह है कि इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि 25 दिसंबर के दिन से इसमें इंसाइडर ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी। और आपको पता है कि जब किसी कंपनी में इंसाइडर ट्रेडिंग बंद हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि उस कंपनी के क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं, यानी कि टाटा स्टील के Q3 के नंबर आने वाले हैं। देखिए, टाटा स्टील के पिछले क्वार्टर के नतीजे कुछ खास अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन इस बार भी अच्छे आते हुए या अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद बहुत कम है।
जो भी होगा रिजल्ट जैसा आएगा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन टाटा स्टील फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और स्टील सेक्टर जो मेटल सेक्टर है भारत का भविष्य है, तो इसलिए इसमें आपका यदि इन्वेस्टमेंट है तो आपको इसमें धैर्य बनाकर रखना चाहिए और किसी भी स्टॉक में जब आप पेशेंस रखते हैं तब आपको पैसा मिलता है, इस बात को आपको समझना होगा। तो बेसिकली IRFC टाटा पावर टाटा स्टील संबंधी जो जानकारी थी मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। आपके मन में कोई भी सवाल है कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आपके पास शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पेंजल उनके साथ, या यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप PMS स्टॉक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।